हेलो हाय। और ये हमारा जो दिवाली सेलिब्रेशन है था तो उसका एक छोटा सा हाईलाइट्स है। दिवाली सेलिब्रेशन नॉर्मली जो हम नवंबर दिसंबर में किए थे नवंबर में, पर क्या हुआ था ना, जैसे गांव गए थे ना उस टाइम पे, तो टाइम नहीं बना बनाने के लिए। सोचे थे थोड़ा सा लाइव करके शेयर किए थे, पर जो कंप्लीट ब्लॉग्स है ना वो शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे चीज हो गया अपने लाइफ में, तो और टाइम ही नहीं मिला करने के लिए एक। तो अभी सोचिए कि थोड़ा सा जो है पेंडिंग था तो उसको थोड़ा आप लोगों से शेयर करें, तो इसलिए एक थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बनाए। आप पूरा देखिए वीडियो को, बीच में स्किप मत कीजिए, मतलब स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा ना तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फन एंटरटेनमेंट जो आप लोग किए थे तो आप मिस कर जाएगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए और कुछ भी स्किप मत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चलेगा तो हमारा, और हमारे लिए फीडबैक भी बताइए, ताकि हमारा कुछ भी कमी रहेगा तो हम ज़रूर पूरा करेंगे उसको। तो अपना जो गांव पे सेलिब्रेट किए थे दिवाली, तो गांव पे जैसे ना ये कुछ ट्रेडिशन है, तो उस दिन बहुत टीका वगैरह बनता है घर में, तो मम्मी जी बनाई है सुबह उसके लिए ना, चावल भिगाई तो भिगा के उसको सुखा के फिर उसको पाउडर करना रहता है, फिर उसके बाद बनाया जाता है। समझो यहाँ पे नारियल का ये बना रही है, तो क्योंकि ये पीठा जो बनेगा तो उसमें यूज होगा, तो गाँव का ये ट्रेडिशन है दिवाली के दिन पीठा वगैरह बनता है घर पे, क्योंकि कुछ मीठा बनता है तो ये अच्छा रहता है ना। दिवाली है मतलब अपनों के साथ बनाना रहता है, कुछ मीठों के साथ बनाना, तो मीठा जब अगर घर पे बने तो और भी क्या चाहिए। तो दिवाली के दिन मीठा बनाना ये ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे पटाखा मतलब फोड़ो फिर यहाँ पे आके खाओ, फिर वो एक अलग सा फील रहता है। और जैसे हमेशा ना हम मायके में मैं ऐसे बनाते थे, मायके में मम्मी लोग बनाते थे, और यहाँ पे पापा जी और मम्मी जी दोनों बना रहे हैं, तो वो दोनों एक्सपायर ये सारे चीज़ों में, तो उन्हें लोग बना रहे हैं और हम लोग भी थोड़ा सा हेल्प करें साइड में, ताकि जो जितना बन पाए बस, और थोड़ा सा हम लोग ये अपना घर है ना तो यहाँ पर थोड़ा सा रंगोली भी बनाए, क्योंकि दिवाली जो कलर का फेस्टिवल होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा घर पर भी दीवार वगैरह लगाओ तो अच्छा लगता है। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए ये रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि बन नहीं पा रहा था, तो इसलिए मतलब चार लोग इसमें लग गए थे बनाने के लिए, संजू मैं मम्मी जी और सरोज, चारों बना के फिर लास्ट में कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिला था। और ये पापा जी जो प्रोसेस चल रहा था बनाने का मीठा, तो ये उनका प्रोसेस चल रहा, देखिए इसका शेप कितना अच्छा है, कितना अच्छे से बना रहे हैं मम्मी जी पापा जी, शेप बहुत अच्छे बनाते हैं। और क्योंकि इसका ना थोड़ा सा भी अगर उसका मतलब प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत रहता तो अच्छा नहीं बन पाता, तो इसलिए इसको बनाने में तो एक्सपर्ट होना चाहिए तो ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे सब मतलब शाम को ही सारे दिवाली लाइट जलता है तो ही अच्छा लगता है, तो दिन में सारे प्रिपरेशन किया जा रहा है, तो दिन में ये सारे दिया वगैरह भी सजाया जा रहा है, उसमें तेल डाला जा रहा है, ताकि नाइट हो, थोड़ा सा नाइट होने में बाकी है अभी, तो शाम होगा तो जलाएंगे इसको, अभी थोड़ा सा हल्का सा शाम होने वाली है, तो लाइट जला के सब चेक कर रहे थे कि सब कुछ सही है या नहीं और टेस्ट करने के लिए। तो अभी जैसे देख रहे हो ना, ये अपना जो रंगोली कैसे भी एक बन गया है, तो रंगोली बनने के बाद उसमें दिया भी बिठा दिए हैं, अभी जलाया नहीं, क्योंकि शाम होगा तो ही दिया जलाएंगे, तो इसीलिए अभी नहीं जला है दिया। और ये मीठा भी बन गया है, अब देखिए। और यहाँ पे जो सरोज लाइट लगाते हैं वो सारे लीची लाइट पूरा घर में लगाए, मतलब बाहर पूरा अरेंज किए सारे लीची लाइट को, लीची लाइट पे बहुत चले थे, ये अपना रखा रहता है, हर साल इसे खोल लगाते हैं, क्योंकि एक बार लगाते फिर उसको खोल के निकाल के रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ कर सके, ऐसा है। रियूजेबल बहुत अच्छा है ना, तो आप आराम से उसको यूज़ करो, फिर जब भी निकालना है निकाल के आराम से साइज करके रख दो, तो नेक्स्ट ईयर वो पैसा बच सकता है आपका, तो आप ऐसे करके अपना पैसा बचा सकते हो, क्योंकि एक बार खरीदो फिर बार बार यूज़ करो उस चीज़ को, ठीक है, तो ऐसे आपका बचत भी हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी जी जो तेल भरे, तो आधा दिया लगा हुआ है और आधा दिया से यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है, ताकि शाम के टाइम पूरा लगाएगी जो दिया और बाती सारे कुछ लगा के यहाँ पे तेल वगैरह उसमें मिला के सब कुछ अरेंज करे, ताकि शाम होते ही हम इसको पूरा जला सके, पूरा घर को पूरा लाइट पूरा उजाला उजाला कर सके, ऐसा है। तो ऐसे
ऐसा कर करके हम लोग मतलब पूरा शाम के लिए मतलब रात फुल रात की जो दिवाली है ना उसके लिए सारे कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, क्योंकि सब लोग बस वेट कर रहे थे कब तक शाम हो, कब तक सारे जो जितना भी प्रोसेस किया हुआ है सब कुछ शुरू हो सके। तो जैसे हम लोग बस दिवाली के पहले दिन ही घर आके पहुँचे तो अपने समय से भी टायर्ड हुए थे। ट्रेन का सफ़र भी बहुत ही मुश्किल था अपने लिए, पर ये घर आने के एक्साइटमेंट में बहुत ही सही रहा। और ये यहाँ का लोकल जो मार्केट था पटाखा वाला मार्केट, तो वहाँ से पटाखा वगैरह लिए, तो पटाखा इतना लिए था कि आप देख सको कि रात को कितना धमाल मचाए है ये पटाखा है ना। तो क्योंकि दिवाली अपने घर में बनाना वो एक अलग से मजा रहता है, क्योंकि बाहर रहो तो वो सारे चीज़ नहीं मिलता है ना। तो अपने घर में रहो और अपने घर के सजाओ तो उसका एक फीलिंग जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग से, जो कि मतलब आप अपने घर में स्पेंड टाइम स्पेंड करेंगे तो वही आपको समझ में आएगा। और ये देखिए अपना घर को कितना अच्छे ब्यूटीफुली सजाया गया है। और ये जो दिन में सारे प्रिपरेशन चल रहा था अभी नाइट हुआ है, आप देखिए ये नाइट पे घर कितना सुंदर दिख रहा है। क्योंकि दिवाली का ये ही खासियत है कि जो भी चीज़ें ना पूरा कलरफुल बना देते हैं, लाइट लगा देते तो सारे चीज़ बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये देखिए पूरा घर को कितना सुंदर दिख रहा है ना, आपको भी लग रहा है कि कितना हाँ मेहनत में पानी मतलब मेहनत रंग लाया है, ऐसा है ना, तो मेहनत रंग लाया है इसलिए ये इतना सुंदर दिख रहा है। क्योंकि अपने घर में सजाओ, अपने घर को सजाओ वो एक अलग चीज़ रहता है, दूसरे के घर पे किराया में रहते वो सजाओ अलग चीज़ है, अपने घर के सजाओ वो चीज़ अलग बात है। और ये देखिए अपना कितना सुंदर दिख रहा है। और अभी जैसे दीवार वगैरह लग रहा है और बाकी कुछ एक दो दिया बाकी है तो वो लगा रहे हैं अभी, संजू और मम्मी जी दोनों मिलकर लगा रहे हैं। देखो तो कितना कलरफुल लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सब बस अभी पटाखा फोड़ने के इंतजार में थे, कब तक और थोड़ी देर में हो जाएगा, तो सब रेडी हो रहे हैं कि पटाखा निकाल के पटाखा फोड़ने के लिए सब रेडी हो रहे हैं। अब देखिए अब जैसे सजावट तो कम्प्लीट है, सारे प्लेसेस में लाइट लगा हुआ है, सब कुछ कम्प्लीट है। तो कंप्लीट होने के बाद पटाखा के ही इंतजार है, पटाखा आपको भी इंतजार होगा ना कब तक ये लोग पटाखा फोड़ने वाले हैं, कितना साउंड होने वाला है, कितना धमाल मचने वाला है, आपको भी इंतजार होगा इसलिए। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। आप फिर से बोल रही हूँ कि आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, स्किप आप करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, आप बहुत सारे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ना आप वो मिस कर जाओगे, तो इसलिए स्किप मत कीजिए और हमारे से जुड़े रहिए। तो देखिए ये है अपना पूरा जो सेटअप था, जो कलरफुल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आप मतलब ऐसे यहाँ से दूर से अगर कैमरा में जितना कैप्चर किया हुआ है वो इतना ही है, बाकी जो ओरिजिनल खाली आंखों में देखो ना वो और भी सुंदर लग रहा था, और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। और एक चीज़ ये है दिवाली के कलर के बीच में अगर फ़ोटो खींचो तो अच्छा नहीं आता फोटो, ये एक मतलब डिमेरिट है, क्योंकि ज़्यादा लाइट्स हो जाते हैं ना तो उस टाइम फ़ोटो भी ज़्यादा कलरफुल बन जाते हैं, तो फ़ोटो ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, बहुत ही कलर हो जाते हैं फोटो। और यहाँ पे सब प्रिपरेशन पे अभी थोड़ा सा टाइम बचा है ना कि पटाखा वगैरह फोड़ने के लिए, तो ये फाइनल स्टेज चल रहा है। फाइनल स्टेज में ये देखिए पूरा बन गया है अभी, और अभी बस सब इसको इडली फ्रेम में डालना रहेगा ताकि ये बन जाएगा, क्योंकि इसको ना थोड़ा बॉयल कर किया जाता है, इसको जैसे इडली बनाना रहता है ना तो ऐसे इसको भी थोड़ा सा नीचे पानी दे के इसको उबालना रहता है ताकि ये बन जाता है। तो ये रीसी अभी सबको बोल रहा है कि हैप्पी दिवाली हो गलते, मतलब पहले से उसको हैप्पी दिवाली चेन्नई बोलना मतलब बोल रहा था, क्योंकि वो हमेशा चेन्नई में रहता है तो उसको चेन्नई चेन्नई बोलना आता है बस, और कुछ हैप्पी दिवाली तुम्हारी चेन्नई ऐसा बोल रहा है। और बहुत ही हैप्पी है क्योंकि सारे प्लेसेस में कलर लाइट लगा हुआ है, बहुत कलरफुल दिख रहा है, और सब लोग घर में है और घर में भरा भरा लग रहा है, क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं मिलते हैं ना, तो एक साथ उसको सारे लोग मिल गए तो बहुत हैप्पी था। और यहाँ पे देखिए अभी जो वक्त का इंतजार था वो वक्त शुरू हो गया है। अभी ये ऋषि अपने दादाजी के साथ यहाँ पे पहले फुलझड़ी चलाने में लग गया है, और ये शुरू हुआ जस्ट स्टार्टिंग है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है, कितना धमाल मचता है, कितना धड़ धड़ होता है, तो इसलिए पूरा देखिए
ये बस शुरुआत है और आगे देखिए फाइनल मतलब लास्ट तक आप देखिएगा कि कैसा क्या हो रहा है। तो आप खुद देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, आप देखिए अपने आँखों में, फिर बताइए कैसा लगा हम अपना दिवाली सेलिब्रेशन और अपना जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो है आपके लिए, जो भी फीडबैक है आप वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कमेंट सेक्शन इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको कुछ भी अगर चीज़ बुरा लगे, कुछ भी चीज़ अच्छा लगे, आप हमें ज़रूर बताइए वो चीज़ के बारे में। तो ये है, सब लोग रेडी है, अभी बस सब आ गए हैं मैदान में, तो मैदान भी रेडी है, सब रेडी है, खिलाड़ी भी सब रेडी है, अभी बस खेल शुरू होने वाली है। तो आप भी देखिए, आप भी गेम देखने के लिए शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए, पूरा कुर्सी पूरा पकड़ के बैठ जाइए आप, क्योंकि कुर्सी अगर हिलेगा तो आप गिरने का चांसेस है। तो इसलिए आप भी पूरा रेडी हो जाइए और देखते रहिए कि कितना सर सरावा मस्ता है यहाँ पे, बॉम जैसे क्या क्या होता है यहाँ पे। टिल देन अब देखिए, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, आप देखते जाइए। Thank you.
ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। रुह तो हौ जो कि तुम छिटक ये हम सामने लगे ना हमने नहीं बाब दे ना दियो दियो कहीं दियो पड़ियों
कैसा लगा आपको ये धमाल वाले सेलिब्रेशन? और लास्ट में था ये स्काई लैंटर्न का, तो लास्ट टाइम नहीं हुआ था पर इस टाइम बहुत सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए सब लोग बहुत हैप्पी है गए कि एटलीस्ट एक बैलून गया ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम दो लाए थे वो पूरा फ्लॉप हुआ, एक भी नहीं गया, पर इस बार दोनों ही ऊपर चले गए तो बहुत हैप्पी हुए थे सब लोग। तो ऐसा था अपना दिवाली सेलिब्रेशन, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमारा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा, और फीडबैक के लिए मतलब कुछ भी अगर आपको सही नहीं लगा तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और ये अपना लैंटर्न जो है तो अभी जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर जाके पहुँचेगा, पर हम लोग देख रहे थे जहाँ जहाँ तक आँख पहुँच सके तहाँ तो वहाँ तक हम लोग देख ही रहे थे कि कहाँ तक जा रहा है, कब तक देख पा रहे हैं इसको, तो इसे ही देख रहा था उसको। तो ये था पूरा कंप्लीट ब्लॉग, तो चिल्ड्रन आपको क्या करना है, आप स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड।